लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में मैं भी उसमें हिस्सा ले रहा हूँ। ये मेरी खुशी की है, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ और मैं इतना ही कहूंगा जो लोग वोट डाल चुके हैं और युवाओं को भी देख रहा हूं मैं, इसका मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, और जो लोग घर पे हैं उनको भी ये कहूंगा कि घर पे ना बैठें, आप लोग भी सब लोग निकलें, अपने दोस्तों को लेकर आएं और अपना वोट डालें और इस लोकतंत्र को और मजबूत करें और जो भारत को 2047 तक विकसित भारत बना सकता है उस पार्टी और उस नेता को चुने। आपकी कितना सीट पार है, 400 पार है कि नहीं? देखिए पांचवें फेज के बाद हम और एनडीए कंफर्टेबल जोन में चले गए, छठे और सातवें में 370 और 400 पार भी पूरा करने जा रहे हैं। जो जोड़ी है वो लगातार ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अरे ये दो लड़कों की जोड़ी एक दफे पिट गई, अब आदमी एक दफे पिटने के बाद बोलता है नहीं आएंगे, मैं फिर आ गए, वो तो शौक है किसी को बार बार पिटने का, तो वो पिटने आ गए हैं लोकतंत्र में जो चुनाव के माध्यम से, और हमें कोई फर्क नहीं, हमें खुशी होती है चुनाव में उनको पीटने में। अच्छा अखिलेश ने नए प्रत्याशी, अखिलेश ने कहा कि 400 बार जो सीटें हैं वो भाजपा को मिलेगी, लेकिन जो है 400 जो है वो अखिलेश, मैंने सुना है वो 400 पार 400 हार कर रहे हैं। कभी कभी अखिलेश की बड़ी प्रॉब्लम रही है, अखिलेश जी अपने को अपना आईना देखते हैं और उस आईने में उनको जो दिखता है वो बोल देते हैं, उनको अपने आने में दिखा अपना चेहरा दिखा और 400 हार दिखा, वो कहते हैं 400 हार। तो 4 जून को क्या होगा? अच्छा प्रयाग, 4 जून को मिठाई खिलाएंगे आपको हम लोग, और प्रयागराज में ही नहीं पूरे देश में दिवाली मनेगी। 4 दोनों प्रत्याशी नए उतरे हैं, क्या दिक्कत हो रही है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक दोनों प्रत्याशी जो हैं, एक तो मेरे साथ असेंबली में है, विधायक है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है हमारे, दूसरे जो नीरज त्रिपाठी है बहुत अच्छे एडवोकेट के साथ साथ, एक केसीनाथ त्रिपाठी जिनका बहुत सम्मान है प्रयागराज में नहीं पूरे देश में, उनके बेटे हैं सुपुत्र हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। मैं पिछले 7-8 दिन से हर जगह घूम भी रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि दोनों सीटों पर फिर से कमल खिलने वाला। ठीक ठीक ठीक।